निर्गमन अध्याय 40 निर्गमन अध्याय 40 यहोवा के निवास के खड़े किए जाने और उसकी प्रतिष्ठा होने का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना और उसमें साक्षीपत्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट में करा देना और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजवा देना। तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना और साक्षीपत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखना और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार के सामने होमवेदी को रखना और मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रख के उसमें जल भरना और चारों ओर के आंगन की कनात को खड़ा करना और उस आंगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना और अभिषेक का तेल लेकर निवास को और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना। तब वह पवित्र ठहरेगा और सब सामान समेत होमवेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना। तब वह परम पवित्र ठहरेगी और पाए समेत हौदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना और हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। और मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया और दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया और मूसा ने निवास को खड़ा करवाया और उसकी कुर्सियां धर उसके तख्ते लगा के उनमें बेंडे डाले और उसके खम्भों को खड़ा किया और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने साक्षीपत्र को लेकर संदूक में रखा और संदूक में डंडों को लगा के उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने को धर दिया और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटकवा के साक्षीपत्र के संदूक को उसके अंदर किया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में निवास की उत्तम अलंग पर बीच के पर्दे से बाहर मेज को लगवाया और उस पर उसने यहोवा के सन्मुख रोटी सजाकर रखी जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास की दक्षिण अलंग पर दीवट को रखा और उसने दीपकों को यहोवा के सन्मुख जला दिया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होमवेदी को रखकर उस पर होमबलि और अन्नबलि को चढ़ाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हवदी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में व वेदी के पास जाते थे तब तब वे हाथ पांव धोते थे जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास की चारों ओर और की वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा करवाया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया
इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा कर समाप्त किया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। और इसराइलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर उठ जाता, तब तब वे कूच करते थे, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इसराइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी।